हे गाइस अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रानी, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए हैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है माय हस्बैंड वर्शिप द मुस्लिम ग्रैंड मदर, अनिरुद्ध आचार्य जी वर्सेस डॉक्टर जाकिर नायक। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है, आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस गाइस देखते हैं ये हिंदू लेडी पंडित जी से क्या सवाल कर रही है, उसका डॉक्टर जाकिर नायक सर का रिप्लाई देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सलमान एक दादी अम्मा करके है, उनको मानते हैं और उनका फोटो भी मेरे मंदिर में रखवाए हैं। क्यों? वो बहुत मानते हैं, उनकी आस्था है उनके ऊपर। कहाँ है वो? आपके मंदिर में रखी हो? नहीं, आपके पति कहाँ है? वो नहीं आए हैं गुरुजी। उनको अलाते तो समझाते गुरुजी मेरे को। एक भगवान के सिवा किसी को नहीं मानना चाहिए। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से या सर्व सुख करई। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उनकी, समझा दो कि किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों को कभी अपने मंदिर जैसी पवित्र स्थान पर नहीं रखना चाहिए। उनको समझाना, उनको ले आना वृंदावन हमारे पास, हम समझाएंगे। जी महाराज जी। हाँ महाराज जी, वो रोने लग गए थे दिवाली में, मैं हटा दी थी फोटो। उनको हमारे पास लाओगे, हम समझेंगे उनके मन में क्या है, फिर हम समझाएंगे तब वो समझेंगे। मेरा नाम वैशाली। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। आप क्या इस बीच में पूछा है, मतलब कहा है कि हर इंसान मुस्लिम कहके ही जन्म होता है। तो मेरा तो मानना है और सभी का यही कहना है कि जब बच्चा होता है तो उसका धर्म उसके माँ बाप के धर्म अनुसार होता है। तो ये कैसे होता है? बहन का सवाल है कि मैंने कहा मेरी तकरीर में कि हर बच्चा जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है। तो बहन पूछ रही है कि बच्चे का धर्म अपने वालिदैन का धर्म होता है। वो बच्चा पैदा होने के बाद, जब बच्चा पैदा होता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। मतलब वो ही कर रहा है जो उसका खालिक, उसका ईश्वर, उसका अल्लाह चाहता है। वो सांस ले रहा है उस तरीके से जिस तरीके से अल्लाह चाहता है, उसका खालिक चाहता है। वो जी रहा है उस तरीके से, वो फितरत में जी रहा है। उसके बाद वो अपने वालदेन के बताए हुए रास्ते पर चलने लगता है। इसीलिए अगर कोई बच्चे पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, इसके बारे में रिसर्च किया गया था दो ट्राइब है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स एंड द कपाकू ट्राइब। ये दो ट्राइब 1950 में साइंटिस्ट इनके पास गए और जानने की कोशिश किए। ये दो ट्राइब इंसानियत के टच में नहीं थे, कोई भी मॉडर्न इंसान इनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं किया था, इनका कोई भी मॉडर्न ह्यूमन बींग से इन्फ्लुएंस नहीं था। जब रिसर्चर्स गए और तहकीक किए कि इनका जीने का तरीका कैसा है, तो जानने लगे कि वो एक खुदा में मानते, एक ईश्वर में मानते, उसकी इबादत करने के लिए सिजदा करते हैं और शिर्क नहीं करते। वो तहकीक करने के बाद पता चला कि वो इस्लाम फॉलो कर रहे, नाम से मुसलमान नहीं थे लेकिन जिंदगी के बसर करने का तरीका इस्लामिक था। तो इससे यह हमें पता चलता है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है और उसे आप अलायदा रखते, उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं, ना वालदेन का, ना बड़ों का, ना टीचर का, वो बच्चा मुस्लिम जैसे जिएगा। मुसलमान मतलब अपनी जिंदगी खुदा के अहकामात के मुताबिक बसर करना, अपनी जिंदगी बसर करना खुदा के मुताबिक। ये साइंटिफिक रिसर्च है, इसीलिए मैं कहता हूं हर इंसान जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है, उसके बाद उसके वालदेन उसे गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं। हो सकता है कि बुत परस्ती करते, हो सकता है कि आग को पूजने के लिए कहेंगे। इसीलिए कोई गैर मुस्लिम जब मुस्लिम बनता है, कन्वर्ट कहना गलत है, कन्वर्ट मतलब एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे जाना, रिवर्ट मतलब एक इंसान सही रास्ते पे था फिर गलत रास्ते पे जाता है फिर से सही रास्ते पे आता है, उसे कहते हैं रिवर्ट। हिंदी या उर्दू में कहूंगा मैं नव मुस्लिम कहना गलत है, हिंदी में कहूंगा लौटा हुआ मुस्लिम। ये मेरा खुद का, मेरे खुद के अल्फाज है, लौटा हुआ मुसलमान। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा बहन कि इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी है आपको? सर मैं रहती हूँ डोंगरी पे, मेरा फ्रेंड सर्कल भी ज्यादा मुस्लिम ही है और मैं ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे हूँ। माशाल्लाह, आप मानते हैं कि खुदा एक है? जरूर। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी नहीं।
मैं यही जानती हूँ कि परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह और जो भी कुछ है वो सब एक ही है। जी हाँ, लेकिन आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है कि सही है? सर, बुत परस्ती का अर्थ मुझे मालूम नहीं, मैं इंसानियत पे ज्यादा भरोसा करती हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ कि सब एक ही है। लेकिन इंसानियत पे भरोसा अगर करते हैं तो हमें हमारे ईश्वर की इबादत करना चाहिए कि गलत चीजों की? क्योंकि क्योंकि आपके वेद में लिखा है, जैसा मैंने फरमाया, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, और श्वेता श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, उस ईश्वर का कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो आपकी हिंदू मजहब की किताबें कहती है कि बुत परस्ती गलत है, ईसाई मजहब की किताबें कहती है बाइबल के बुत परस्ती गलत है, कुरान इस्लाम मजहब की किताब कहती है बुत परस्ती गलत है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बुत परस्ती में यकीन करते क्या नहीं? सर, आप बुत परस्ती तो जो बोल रहे हैं उसको मेरा मीनिंग नहीं समझ रहा, खाली मुझे यही मालूम है कि सब जो ईश्वर, अल्लाह जो भी कुछ है सिर्फ एक ही है। बिल्कुल सही, ईश्वर अल्लाह एक है, लेकिन अगर आप ईश्वर को, अगर मिसाल के तौर पे ईश्वर को आप कुछ गलत साबित करते हैं और उसे ईश्वर कहते, गलत चीज को ईश्वर कहना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई कहेगा कि ये टेबल, ये चेयर ईश्वर है, आप मानेंगे? नहीं, वो ईश्वर सही है, लेकिन गलत चीज को ईश्वर कहना गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल। तो ये मैं पूछता हूँ कि जो चीज ईश्वर कहना के लायक नहीं है, जैसे आपके मजहबी किताब में कहा गया है नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई बुत नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई अक्ष नहीं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बुत परस्ती गलत है या सही है फिर? नहीं सर, वो गलत ही होगा। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। तो आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी सही। आप मानते हैं कि खुदा ईश्वर एक है? ईश्वर अल्लाह सब एक ही है। बिल्कुल सही। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अल्लाह के पैगंबर है? सर, उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं वो मत प्रदर्शन नहीं कर सकती। बिल्कुल, इसलिए मैं चाहूंगा कि खवातीन के शोबे से मैं मेरे अहलिया से फरमाऊंगा कि आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दे। आपको अगर हिंदी आती है तो हिंदी में दीजिए, उर्दू आती तो उर्दू में, मराठी तो मराठी, या अंग्रेजी में आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और इंशाअल्लाह इस किताब के जरिए आप हिदायत पाएंगे। और अगर कुछ भी उसमें मुश्किलात है तो आप जरूर, डोंगरी पे रहते हमारा इदारा भी डोंगरी पे। सो गाइस, ये था वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था। जैसे कि पंडित जी से जो सवाल कर रही थी हिंदू लेडी कि यार वो मुस्लिम ग्रैंड मदर जो है, ठीक है, तो उनका फोटो रखा था, तो पहली बात मैं बता दूं कि यार मुस्लिम इस्लाम में कोई भी मूर्ति पूजा या फोटो फोटो लगा के किसी का भी भगवान बनाना गलत है, वो एक इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ठीक है, इस्लाम से हट के लोग उसे ऐड कर दिए हैं इस्लाम में और वैसा बताने की कोशिश कर रहे हैं, हर कोई नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसा करने लग गए हैं आजकल, लेकिन वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। और पंडित जी भी वहाँ पर रिप्लाई दिए कि एक ही भगवान है उसके, या सब उनके सवाल जवाब में ये सवाल, मतलब उनके सवाल पे ये जवाब दिए कि यार भगवान जो है वो एक ही है, तो वो वहाँ पे पंडित जी करेक्ट है। और जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक सर से लेडी भी सवाल की कि यार जो ईश्वर है, भले उनके मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं, मराठी में अलग बोल सकते हो आप या हिंदी में, उर्दू में, उनके जो डेफिनेशन है वो अलग हो सकते हैं, लेकिन जो क्रिएटर है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नायक सर ने बोला और हर धर्म की किताब में ये लिखा हुआ है। अगर आप धर्म को फॉलो करना चाहते हो, सही भगवान की पूजा करना चाहते हो, ईश्वर को पाना चाहते हो, तो आपको हर धर्म की किताबों को देखना पड़ेगा कि उस पर क्या लिखा गया है। मैं भी वही बोलने वाली थी कि जो फोटोग्राफ का जो बात बोल रही थी पहले लेडी जिन्होंने क्वेश्चन किया था, उनके हस्बैंड किसी मुस्लिम जो ग्रैंड मदर है, दादी माँ, उनकी फ़ोटो को भगवान की जगह रख के पूजते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम इंसानों को भगवान से कंपेयर नहीं कर सकते, भगवान का दर्जा नहीं दे सकते हैं। और ये बिल्कुल भी इस्लाम में ही नहीं, सभी धर्मों में यही चीज़ें बोली गई है कि भगवान जो है वो एक है और सिर्फ उसी की पूजा करनी है, ना कि नेचुरल चीज़ों की और ना ही इंसानों की। तो लोगों को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि ईश्वर जो है, हमारा क्रिएटर जो है, वो एक है और कोई भी नहीं है। और एक चीज़ गाइस, मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि बहुत से लोग जैसे कि अभी सवाल किए कि कोई अगर नॉन मुस्लिम के घर पैदा होता है तो वो कैसे उस चीज़ को फॉलो करता है, तो ज़रूरी
जरूरी नहीं है कि यार कोई हिंदू हो मुस्लिम हो वो सही रास्ते में हो, वो सही चीज की पूजा कर रहा हो, सही चीज की इबादत कर रहा हो, क्योंकि आप बिना पढ़े आप जान ही नहीं सकते हैं लोग। और जरूरी नहीं है कि मेरे माँ बाप या मेरे जो पूर्वज जो चीज को फॉलो करते आ रहे हो वो उसका धर्म से कुछ लेना देना हो या मेरे माँ बाप सही हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये था गाइस वीडियो, आप क्या सोचते हो उस वीडियो के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पर न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू गाइस।